कैटेगरी अच्छी। और यहाँ पे मौसम भी बहुत सुहाना हो रखा है। का टाइम है, बहुत ठंड है और हम लोग निकल चुके हैं। हम लोगों का सुमो भी रेडी है, अभी चले ससुराल की ओर हाफलोंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी हम निकल गए हैं हरंगाजाव से। देखिए यहाँ पे मार्केट डे है, सब्जी भी लग चुका है, सब्जी वाले भी आके बैठ चुके हैं। और ठंड भी, और यहाँ पे मौसम भी बहुत सुहाना हो रखा है, ठंड का मौसम है। और चारों ओर की गाड़ी यहाँ से जाती है, हाफलोंग सिलचर सब, और सब गाड़ी पे पैसेंजर लोग बैठ गए हैं। और सब्जी वाले भी अपने सब्जी तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे। हम भी गाड़ी पे बैठ चुके हैं, ड्राइवर भैया कोमन भैया भी आ चुके हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट होने वाला है और मेरा तबीयत भी थोड़ा खराब हो रखा है अभी। बिटेन बाय बाय। और हम निकल चुके हैं अभी सुमो स्टैंड से। और आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। तो अभी हम लोग सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं कोमिंदा की गाड़ी में, और चलिए चलते हैं हाफलोंग की ओर। और मुन्नी पीछे के सीट में बैठी हुई है, साथ में दो है कुल्लू काकानी काका है कुल्लू काका, वो उनको मैं बचपन से पहचानती हूँ, उनके घर जाते आते थे हम। अभी अभी हमने हरंगाजाव स्टेशन क्रॉस किया है, और हरंगाजाव स्टेशन आपका रेखो और दोलाचुंगा के बीच आ जाता है। हम लोगों को वहाँ से और 15-20 मिनट चाहिए होता है हरंगाजाव मार्केट पहुँचने के लिए, और थोड़ा दूर हो रखा है पहले से। गाइस हम लोग चलते चलते सफ़र में आ गए, अभी मोलखोई आ चुके हैं, वहाँ पर बहुत खूबसूरत धूप भी खिला हुआ है। मोलखोई पहुँचते पहुँचते ही जेसीबी दिखाई दे दिया हम लोगों को पहले, क्योंकि यहाँ पे हाईवे का पूरा काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे, ड्रेनें भी कट रहे हैं, चारों ओर पूरा काम फैला हुआ है, काम चल रहा है। अगर ये काम अगर हाईवे का कंप्लीट हो जाता है तो हमको इतना टाइम भी नहीं लगेगा, अभी 2 से 2.5 घंटा लगता है, इतना दूर तो नहीं है। अगर हाईवे पूरा बन जाता है तो हम लोग को कम से कम 1.5 घंटा ऐसा लग जाएगा, 1 घंटा हम लोग को कम लगेगा हाफलोंग पहुँचते पहुँचते। और अभी इतना ज़ोरों से काम स्टार्ट हो गया है डेवलपमेंट का, लग रहा है कि ये 6 महीने भी नहीं जाएगा, उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहले भी बहुत काम यहाँ पे चल रहा था, हो रहा था, पर इतना स्पीड में नहीं हो रहा था। अभी तो बहुत स्पीड में काम चल रहा है, और बहुत सारे कंपनी भी आके रास्ते रास्ते पर जगह जगह पर बैठे हैं। लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग अभी कपूरचरा गांव आ चुके हैं, और हम लोग गांव को बस्ती बोलते हैं यहां पे। और यहां पे आपको हाईवे छोड़ दिया हम लोगों ने, हाईवे छोड़ के गांव का रोड को हमने टच कर लिया, तो गांव का रोड आते ही और गड्ढा गड्ढा और ज़्यादा दिखाई देने लग गया, और मिट्टी भी चारों ओर फैल गया था। और अभी बाबू सोने ही लग गया, इसलिए वो उसके पापा की गोदी में जाके बैठ गया, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो रखा है अभी। उसके बाद इस साइड पे फिर रोड पे देखिए पूरा धूला बैठ गया, जैसे कि हम लोग नदी पे सफ़र कर रहे हैं ऐसा है, रोड का हालत पूरा ख़राब हो रखा है, शायद ये भी बन जाएगा धीरे धीरे। और गाँव यहाँ पे कपूरचरा पे आके देखा तो पहले ही एक गाड़ी ऑलरेडी यहाँ पे आके रुका हुआ था, और हम लोग भी रुक गए क्योंकि यहाँ पे कुछ पैसेंजर उठने वाले थे इसलिए।
फाइनली हमारा पैसेंजर जो बाकी था वो आ चुके थे, और उसके बाद ड्राइवर भैया ने गाड़ी भी स्टार्ट कर दिया है। और गांव का रास्ता देखिए इतना खूबसूरत था, यहाँ पे एक ट्रैक्टर भी रुका हुआ था और चारों ओर हरियाली हरियाली थी, रोड भी बहुत अच्छा बन रखा था और खेती बाड़ी भी देखने को मिला। ये है डिमासा गाँव। और हमेशा मैं हाईवे से क्रॉस करके जाती थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ अंदर इतना बड़ा गांव है और इतना सारा घर, इतना खूबसूरत जगह भी है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। डिमासा पीपल लोग यहाँ पे रहते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। इतना साफ़ सुथरा गाँव मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, चारों ओर हरियाली हरियाली है। और आगे आपको एक छोटा सा मंदिर भी दिखाई देगा। ये किसका मंदिर वो तो पता नहीं चला, गाड़ी बहुत स्पीड था पर देख के अच्छा लगा। उसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग हाईवे दिखाई देने लग गया, पर यहाँ पे हाईवे टच नहीं करता है, थोड़ा आगे जाने के बाद हाईवे टच करता है। हम लोग अभी हाईवे पे आ चुके थे, हाईवे टच कर, और यहाँ पे भी आगे भी काम चल रहा है, मिट्टी पूरा काट के रखा है, जेसीबी भी लगा हुआ है, चारों ओर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पूरा नेशनल हाईवे काम पे पूरा लग रहा है चारों ओर। वहाँ पे है कपूर चौरा LP और MS स्कूल, उधर स्कूल भी है। और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा दुकान भी खुल रखा है, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पे नया पेट्रोल पंप भी खुल रहा है, शायद उसकी तैयारी चल रही है पेट्रोल पंप की। शायद कोई पेट्रोल पंप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूरी पर पेट्रोल पंप नहीं मिलता है आपको, तो यहाँ पे खुलने से लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, ड्राइवर के लिए, पैसेंजर के लिए। और यहाँ पे भी मिट्टी कट के रखा हुआ है इस साइड पे पूरा। यहाँ पे भी ड्रेन कुछ बन रहा है। अभी हम लोग फिर दूसरे गांव आ पहुँचे हैं, कपूरचौरा छोड़ने के बाद। यह है म्यांखरो, म्यांखरो पे आ पहुँचे। इसके अंदर भी शायद बहुत बड़ा बस्ती होगा, पर मैं कभी नहीं गई, कभी मौका मिलेगा तो जाऊंगी ज़रूर। उसके बाद आगे, और ये एरिया जो है यहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत काम चलता है। सामर के टाइम पर यहाँ पर पूरा पहाड़ धस के आके गिर जाता है। और ये है जाटिंग अलामपुर स्टेशन, हम लोग जाटिंग अलामपुर स्टेशन भी क्रॉस कर चुके हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम लोग रेगजोल आ पहुँचे। रेगजोल आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पास ही में है हाफलोंग। यहाँ पे रोज़ बच्चे भी स्कूल पढ़ने के लिए भी हाफलोंग जाते हैं, इतना दूर नहीं होता है, 40-50 मिनट लगता है, यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर आगे देखिए रेगजोल गाँव कैसा दिखता है। और दोस्तों हम लोग देखते देखते अभी झाटिंगा भी आ पहुँचे। ये है झाटिंगा बाईपास, एक ओर जाता है आपका लामडिंग, एक ओर जाता है सिलचर, दूसरी ओर आपका जाता है हाफलोंग की। और लामडिंग गुवाहाटी सब इसी रूट से जाते हैं लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे झाटिंगा पे तो बहुत सारे ऑरेंज का बागान भी है, तो ऑरेंज लेके बैठे हुए थे बहुत सारे लेडीज़ महिलाएँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे, क्योंकि हमारा गाड़ी तो वहाँ पर रुकेगा नहीं, हम लोग तो अभी हाफलोंग घुसने वाले हैं। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे एक दो दुकानें भी दिखाई दी। हाफलोंग आते ही ठंड लग गई, झाटिंगा आते ही हवा चलना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही ठंड होता है। गर्मी के दिन में भी इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता, ठंडा हवा चलते रहता है। और झाटिंगा पहुँचते ही आप लोगों को छोटा छोटा दुकानें दिखाई देने लगे हैं, जहाँ पर संतरा, स्क्वाश, लोकल सब्जी, लोकल साग, ये सब लेकर बैठे होते हैं महिलाएँ। और आगे बढ़ते बढ़ते अभी धूप भी आ चुका है, अभी मौसम भी अच्छा लगने लगा। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत झाटिंगा पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत व्यू पॉइंट भी मिल जाएंगे। और बर्ड वॉचिंग सेंटर भी यहीं पे है, कभी अगर मौका मिलेगा तो बर्ड वॉचिंग सेंटर में मैं आप लोगों को लेके चलूँगी। कोट है यहाँ पे, कोट के ऊपर एक कोट व्यू बोल के आई लव डिमासा जगह एक बहुत खूबसूरत बनाया है। इस बारे में, इस व्यू पॉइंट को लेकर मैंने अलग ही ब्लॉग बनाया है, अगर आप लोग को देखना है तो मेरे चैनल।
पर विजिट कर सकते हैं। और आगे पानी का गाड़ी भी आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पानी खरीद रहा होगा और हाफलोंग में पानी का इतना क्राइसिस है, नहीं मिलता है कभी कभी तो सप्लाई का पानी 2-3 महीने भी नहीं आता है, तो पानी तो खरीदना पड़ता ही। पानी नहीं खरीदेंगे तो हम लोग पियेंगे क्या? और झाटिंगा से ही सप्लाई जाता है, झाटिंगा नदी से शायद टेंकी से, वो तो पता नहीं कहाँ से जाता है। और वहाँ उस पहाड़ पर जो बिल्डिंग आप लोग को दिखाई दे रहा है वो है कोर्ट, हाफलोंग कोर्ट। यहाँ पे झटिंगा पे है हाफलोंग का कोर्ट। और यहाँ कोर्ट पे आने के लिए आप लोगों को मार्केट से ऑटो मिल जाएगा अवेलेबल, ऑटो वाले डेली यहाँ पे विजिट करते हैं झटिंगा और कोर्ट। कोर्ट पार करने के बाद अभी हम लोगों को न्यू हाफलोंग मिल जाएंगे, न्यू हाफलोंग का रोड मिल जाएगा। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा नया होटल खुला हुआ है, मैं कभी नहीं आई हूँ, एक दिन तो आना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं माधव टीला। और यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, रेस्टोरेंट का नाम है शंखो, मैंने विजिट नहीं किया है कभी यहाँ पे। और यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं माधव टीला। माधव टीला पे बहुत सारे चार्जेस भी है, बहुत खूबसूरत यहाँ से व्यू पॉइंट दिखाई देता है। और यहाँ पे नेपाली लोग, मार लोग, कुकी लोग, रंगखोल सब मिल के रहते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे उन लोगों का छोटा सा मार्केट भी है, वो लोग का अपना मार्केट ही चलाते हैं ज़्यादातर, उन लोगों का सब कुछ मिल जाता है उसी मार्केट पर, फिश से लेकर आपको सब्जी कपड़े रहते सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम लोग हाफलोंग पहुँचने वाले, बस दूध से 3 मिनट लग जाएगा। और ड्राइवर भैया ने कहा है हम लोगों को वो घर छोड़ देंगे। घुसते ही यहाँ पे आपको सुंदर सा एक लेक दिख जाएगा, बहुत बड़ा सा। और यहाँ पे बोर्डिंग भी होता है, और यहाँ बोर्ड हाउस है। लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को बोर्ड हाउस का वीडियो शेयर किया था। इस साइड आपको काउंसिल मिल जाएगा काउंसिल ऑफिस जाने से। और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों को चिल्ड्रन पार्क भी मिल जाएगा, वहाँ पर पार्क है और बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे सामान भी रखे हुए हैं। इस साइड पार्क के इस साइड पे राइट साइड पर आपको बोटानिकल गार्डन भी मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग को बहुत खूबसूरत नज़ारा है हाफलोंग का, जहाँ देखो वहीं पे व्यू नज़र आएगा, वहीं पे व्यू पॉइंट है, क्योंकि ये पहाड़ पे उपस्थित है हाफलोंग। और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अभी आ पहुँचे स्कूल के साइड पे, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक स्टेचू प्रिंसेस डिस्ट्रू का, जो हरेंगाजाओ पे है और यहाँ पे भी है। और इस साइड फिर लेफ्ट साइड पे प्रिंसेस डिस्ट्रू का स्टेचू है, राइट साइड पे है डॉन बॉस्को स्कूल, और ये है डॉन बॉस्को स्कूल। एलपी और हायर सेक्शन सब एक साथ है, लोअर और हायर सेक्शन एक साथ है। फिर आगे मार्केट घुसने ही वाले हैं हम लोग का भी, उतरने का टाइम भी हो चुका है अब। मेरा ब्लॉग यहीं पर रखती हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।